भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया फिलहाल पहले बल्लेबाजी कर रही है और मोहाली के मैदान पर खेले जाने वाले इस मुकाबले में करीब 16 ओवरों का खेल हो चुका है और भारत 150 रन के पास पहुंच चुका है, लेकिन भारत को नुकसान उठाना पड़ा है 4 विकेटों का। इससे पहले आपको खेल का लेखा जोखा बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया है यहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला। अमूमन भारत में जब विकेटें सितंबर अक्टूबर में होती हैं तो चेज करना जो है वो आसान होता है, लेकिन भारत ने भी अच्छे खासे रन्स बोर्ड पर लगा दिए। शुरुआत से लेखा जोखा बताएं तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ने पारी की शुरुआत की। डर जिसको था कि रोहित विराट जल्दी आउट हो जाएंगे तो क्या होगा, उस डर का आज जवाब थोड़ा मिलता हुआ नजर आया है। दरअसल केएल राहुल ने 35 गेंदों में 55 रनों की धाकड़ पारी खेली, हेजलवुड ने उन्हें आउट किया, एलिस ने उनका अच्छा कैच लपका, 4 चौके 3 छक्के उन्होंने अपनी पारी में जड़े और स्ट्राइक रेट 157 करा। रोहित शर्मा 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, 1 चौका 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में जड़ा, 122 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। विराट कोहली आज फ्लॉप साबित हुए, 7 गेंदों में 2 रन बनाकर एलिस का शिकार बने। कैमरन ग्रीन ने उनका अच्छा कैच लपका, सूर्यकुमार यादव 25 गेंदों में 46 रन बनाकर कैमरन ग्रीन का शिकार बने। मैथ्यू वेड ने उनको विकेट के पीछे उनका अच्छा कैच लपका, सूर्यकुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 4 छक्के 2 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। हालांकि फिलहाल हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज जितनी तारीफ की जाए केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव की उतनी कम है। दोनों ने मिलकर गजब की यहां पर बल्लेबाजी की है, यहां पर दोनों के बीच 68 रनों की साझेदारी हुई और भारत को संकट से उभारा दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब यह देखना होगा कि किस तरीके से भारत आज फिनिश करता है। अक्षर पटेल को खिलाया गया है रविंद्र जडेजा की जगह, वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, इस सवाल का जवाब भी आज शायद मिलता हुआ नजर आएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।